आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कोविड की संभावित लहर के बच्चों पर प्रभाव एवं मंकी पॉक्स जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए 100 बेडेड क्षय रोग सह सामान्य अस्पताल में मॉक ड्रिल का किया गया सफल आयोजन। कहा, आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है अस्पताल की पूरी टीम। यूपी के टॉप 61 माफियाओं के लिस्ट में शामिल माफिया राजन तिवारी की नामी बेनामी संपत्ति खंगाल रही है गोरखपुर पुलिस। ऑपरेशन सिकंजा के तहत राजन तिवारी और उसके करीबियों और जमानतदारों पर अभी और पुलिस का कसेगा सिकंजा। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए जनपद में चलाया गया अभियान। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस ने कहा, मतदाता स्वयं अपने मतदाता रिकॉर्ड में अपना आधार नंबर डालकर मतदाता सूची व मतदाता कार्ड कर ले अपडेट। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र व छात्राओं का प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन के द्वारा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। 150 प्रजापति समाज के छात्र व छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर किया गया सम्मानित। सौ बेडेड क्षय रोग सह सामान्य चिकित्सालय के अंतर्गत कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को 14 जुलाई को किया गया कार्य मुक्त। स्टाफ नर्स एवं कर्मियों ने टीबी अस्पताल पर किया धरना प्रदर्शन, फिर से कार्य पर रखने की मांग। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर समिति के द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। सेवानिवृत्त कर्मचारी जटा शंकर मिश्रा को अंगवस्त्र व गीता देकर किया गया सम्मानित। और 25 अगस्त को महानगर में गोरखनाथ स्थित झूलेलाल मंदिर से निकलेगा भगवान झूलेलाल का 71वां शोभा यात्रा। 1000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल, झूलेलाल मंदिर के पुजारी ने दी जानकारी।